डियर स्टूडेंट इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड वेलेंसी तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर और वेलेंसी में क्या अंतर है एंड हाउ केन वी कैल्कुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन अ कंपाउंड और हम किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे कैलकुलेट करेंगे तो ये ये जरूरी है जब आप रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़ेंगे तो उन रिडॉक्स रिएक्शंस को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है और ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना रिडक्शन कहलाता है इसलिए उसको जानने के लिए आपको जरूरी है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं और पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी में क्या अंतर होता है तो अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट को देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड कैन गेन और लॉस्ट ऑक्सीडेशन नंबर जिसको ऑक्सीकरण संख्या भी कहते हैं ये क्या है ये वो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है एक कंपाउंड में हम एक एलिमेंट का क्या निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट के एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हम किसमें निकाल सकते हैं कंपाउंड में तो हम कैसे निकालते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट या तो लॉस करता है या गेन करता है उसको हम क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम एक कंपाउंड लें और उस कंपाउंड में से अगर हम बाकी एलिमेंट्स निकाल दें देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम देखें के एम एन ओ फोर ओके तो अगर हमें एम एन की ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे इसमें से पोटेशियम को भी निकाल दें और ऑक्सीजन को भी अगर हम निकाल दें तो अगर हम पोटेशियम को भी निकाल दें ऑक्सीजन को भी निकाल दें उसके बाद इसके ऊपर जो चार्ज बचेगा एम एन के ऊपर दैट विल बी ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट तो कितने इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर रहा है या गेन कर रहा है अभी आप देखेंगे कैलकुलेशन में क्योंकि अगर हम पोटेशियम को हटाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा अगर हम ऑक्सीजन को हटाते हैं तो ये क्या करेगा दो इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो जाएंगे एड हो जाएंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लॉस करता है कितने गेन करता है इसको कहते हैं हम इस एलिमेंट की इस कंपाउंड में ऑक्सीकरण संख्या तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या क्या है अगर हम इस पूरे कंपाउंड में इस एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारी एलिमेंट्स को हटा दें तो इसके ऊपर जो चार्ज बच जाएगा वो क्या कहलाएगा ऑक्सीकरण संख्या सो ऑक्सीडेशन नंबर इज चार्ज ऑन द एलिमेंट दैट ज बीन लेफ्ट आफ्टर एलिमिनेटिंग द अदर एटम्स इन दिस कंपाउंड सो दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट नाउ वी कैन कंपेयर दिस ऑक्सीडेशन स्टेट विद द वैलेंसी सो इन केस ऑफ वैलेंसी वट इज वैलेंसी वेलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एलिमेंट तो वेलेंसी क्या है वेलेंसी सिंपल है कि कितने Uh, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम वैलेंसी कहते हैं ओके सो दिस इज द डिफरेंस मेन डिफरेंस आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो है वैलेंसी जिसे हम संयोजकता भी कहते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर क्या है वो तो वो चार्ज है जो रह जाता है उस एलिमेंट के ऊपर जब हम दूसरे एलिमेंट्स को उसमें से रिमूव करते हैं तो दिस इज द वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट नाउ दिस इज द अदर डिफरेंस ऑक्सीडेशन स्टेट इंडिकेट्स चार्ज ऑन द एटम ऑफ अ कंपाउंड इट इंडिकेट्स चार्ज बट दिस वैलेंसी इंडिकेट्स डज नॉट इंडिकेट चार्ज. जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या बताती है चार्ज बताती है कि कितना चार्ज उस एलिमेंट के ऊपर बचा है और जो जो वैलेंसी है या संयोजकता है वो क्या बताती है वो किसी चार्ज को डिस्क्राइब नहीं करती अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट को देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर एक ही बात है ऑक्सीकरण संख्या को अगर देखें इट डज नॉट इंडिकेट द नंबर ऑफ बॉन्ड्स ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स को नहीं बताती है जबकि अगर हम वैलेंसी को देखेंगे तो वैलेंसी क्या बताती है वैलेंसी इंडिकेट्स द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन एन एटम और एन एलिमेंट लाइक इफ वी राइट दिस सी अगर हम एक सी को देखें तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है चार तो ये क्या दिखाती है कि ये कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है चार चार स्टेबल बॉन्ड बना सकता है तो वैलेंसी हमें क्या बताती है अबाउट द नंबर ऑफ बॉन्ड्स किसी भी कंपाउंड में हम देखेंगे तो इसकी वैलेंसी चार होती है एक्सेप्ट कार्बी कार्बी जो कि अनस्टेबल कंपाउंड्स है उनके केस में इसकी वैलेंसी दो होती है नहीं तो ये हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है चार अगर हम नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है तीन समटाइम्स चौथा कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना लेता है जैसे एनएच फोर प्लस में अगर हम फॉस्पोरस को देखें तो तीन बॉन्ड भी बना सकता है और पांच भी बना सकता है तो उसकी वैलेंसी कितनी है तीन एंड पांच थ्री एंड फाइव तो इसका मतलब है कि जो वैलेंसी है वो बॉन्ड को भी दिखाती है लेकिन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बॉन्ड के बारे में नहीं बताता है कि कितने बॉन्ड इसमें होंगे ऑक्सीडेशन स्टेट का बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं है तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ वैलेंसी इन द इंडिकेशन ऑफ द नंबर ऑफ बॉन्ड्स सो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैन बी इंडिकेटेड बाय वैलेंसी ओनली अब अगर एक और डिफरेंस हम देखें ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी में तो हम ये पाएंगे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है प्योर एलिमेंट की क्या होती है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट एक प्योर एलिमेंट की जीरो होती है प्योर हो एलिमेंट हो या मॉलिक्यूल उसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है जीरो होती है फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि हमें प्योर एलि जिंक दे दिया तो अगर हमें जिंक दे दिया तो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी जीरो अगर हमें कॉपर दे दिया जैसा कि हम रेडॉक्स पोटेंशियल डाटा में यूज करेंगे ये सब चीजें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में तो ये जो एलिमेंट्स होंगे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी जीरो होगी ऐसे ही अगर हम पूरा मॉलिक्यूल देखें जैसे हमने कहा एच तो अगर हम एच देखें तो इस पूरे मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी जीरो क्योंकि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो एलिमेंट्स की होती है या तो एस की होगी या ओ की होगी या एच की होगी तो एलिमेंट्स की एक कंपाउंड के अंदर तो कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट होगी लेकिन अगर एलिमेंट फ्री होगा प्योर होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी जीरो और इस मॉलिक्यूल की भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी जीरो जबकि इन केस ऑफ वैलेंसी, अगर हम वैलेंसी को कंपेयर करें इससे तो हम ये देखेंगे कि वैलेंसी के केस में जो प्योर एलिमेंट है उनकी वैलेंसी डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं

डिपेंड करेगी कि वेलेंसियल कन्फिग्रेशन क्या है तो जिंक का जब प्योर जिंक देखेंगे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो जीरो होगा लेकिन उसकी वैलेंसी कितनी होगी प्लस टू क्योंकि जो वैलेंसी है वो डिपेंड करती है उसके जो बाहरी जो उसका कन्फिग्रेशन है विन्यास है उसके ऊपर डिपेंड करती है कि उसका वैलेंसी कितना होगा जबकि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एलिमेंट की क्या होगी जीरो ऐसे ही कॉपर कॉपर के ऊपर जो 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 वैलेंस जो इसकी जो वैलेंसी होती है जनरली वैसे तो प्लस टू भी होती है प्लस वन भी होती है बट द स्टेबल ऑक्सीडेशन वैलेंसी इज प्लस टू इसके अलावा हम किसी भी एलिमेंट की आप देख सकते हैं सोडियम की देखिए प्लस वन आ, वैलेंसी होती है क्योंकि उसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक होते हैं तो वैलेंसी को हम वैलेंस शेल uh, के इलेक्ट्रॉन से उसको कोरिलेट कर सकते हैं जबकि ऑक्सीडेशन नंबर को हम कोरिलेट नहीं कर सकते एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी जीरो हो। अगर हम ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेट को देखें ऑक्सीकरण संख्या को देखें तो इट इज कैलकुलेटेड वैल्यू बिकॉज इट इज कैलकुलेटेड वैल्यू इसको तो हम कैलकुलेट करते हैं ये डिफाइन नहीं होती है तो मे बी फ्रैक्शनल और मे बी इंटीग्रल नंबर तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकती है और पूरा नंबर भी हो सकती है इंटीग्रल नंबर भी हो सकती है क्योंकि इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेशन में हमें ये फ्रैक्शन में भी मिल सकती है और हमें ये इंटीग्रल वैल्यू भी मिल सकती है जैसा कि हम आगे कैलकुलेशन करेंगे तो हम इसको कैलकुलेट करके देखेंगे और कई जगह पर आपको ये मिलेगा कि ये फ्रैक्शन में होगी जैसे फाइव बाई हो सकती है थ्री बाई हो सकती है तो ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में हो सकती है लेकिन अगर हम इसका कंपेरिजन जो है वो वैलेंसी से करें तो वैलेंसी क्या होती है हमेशा इंटीग्रल नंबर होल नंबर होगी हमेशा कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी क्योंकि वैलेंसी जो है वो ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंग होगी या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने वैलेंस सेल में है उसके अकॉर्डिंग होगी इसलिए वैलेंसी कभी भी फ्रैक्शनल नंबर में नहीं होगी जो भी कैलकुलेटेड वैल्यू होती है वो पॉइंट में हो सकती है लेकिन जो डिफाइंड वैल्यूज है जो वैलेंस सेल पर डिपेंड कर रही है बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड कर रही है वो कभी भी फ्रैक्शनल नंबर नहीं होगी अगेन अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट को देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट पर Uh, या तो हम पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं या हम नेगेटिव uh, साइन लगाते हैं बिफोर इन द प्रिफेक्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट हमें या तो पॉजिटिव साइन लगाना होगा या नेगेटिव साइन लगाना होगा क्योंकि ये कैलकुलेटेड वैल्यू है तो हमेशा या तो पॉजिटिव में आएगी या नेगेटिव में आएगी ओके okay? तो ऑक्सीकरण संख्या और वैलेंसी में एक डिफरेंस ये भी है कि ऑक्सीकरण संख्या जो है वो हमेशा किस में आएगी किसी साइन के साथ आएगी तो या तो हम उसमें पॉजिटिव साइन लगाएंगे या उसमें नेगेटिव साइन लगाएंगे जबकि अगर हम वैलेंसी को देखेंगे तो वैलेंसी के केस में कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव साइन हम नहीं लिखते हम तो लिखते हैं कि इसकी वैलेंसी तीन है इसकी वैलेंसी पांच है इसकी वैलेंसी छह है ठीक है तो वैलेंसी को जनरली हम किसी साइन से नहीं दिखाते हैं क्योंकि वो कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं है और जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैलकुलेटेड वैल्यू है इसलिए हम उसमें साइन दिखाते हैं कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा वो साइन इंक्लूड करना जरूरी होगा अनदर डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वेलेंसी इज दैट ऑक्सीडेशन स्टेट वेराइज विदर एटम्स अटैच जो ऑक्सीकरण संख्या है वो डिपेंड करती है कि दूसरे एटम क्या है तो उसके हिसाब से वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए वेरी करेगी जैसे ये आपको एग्जांपल दिए है मैंने ओ एफ टू ओ एफ टू में अगर हम देखें तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो F के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी होगी क्या होगी माइनस वन तो इसकी माइनस वन होगी तो ऑक्सीजन की तो क्या हो जाएगी प्लस टू यहां पर अगर हम देखें इसकी माइनस वन है तो ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी प्लस वन अभी आपको मैं कैलकुलेट करना बताऊंगी और यहां पर अगर हम देखें क्योंकि हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्लस वन होती है ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी माइनस टू तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो दूसरे एटम जुड़े हुए हैं इन पर डिपेंड करेगी ये जो एटम है ये इससे ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है तो इसकी तो माइनस में होगी इसकी प्लस में होगी यहां अगर हम देखें तो ये ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो ये प्लस में होगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में होगी इसलिए ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आप देख सकते हैं ये वेरी कर रही है ऑक्सीजन की ही आप देख सकते हैं डिफरेंट कंपाउंड में जो जो ऑक्सीकरण संख्या है वो अलग अलग है क्योंकि ये कैलकुलेटेड वैल्यू है और अगर हम संयोजकता की बात करें या वैलेंसी की बात करें तो जो संयोजकता है या वैलेंसी है वो क्या होती है फिक्स्ड होती है एक एलिमेंट के लिए जैसे नाइट्रोजन है उसकी जो वैलेंसी है वो हमेशा तीन होगी फॉस्फोरस है उसकी वैलेंसी क्या होगी या तो तीन होगी या पांच होगी इसके अलावा तो कोई और वैलेंसी इसकी होगी नहीं क्योंकि वैलेंसी डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि उसके साथ दूसरा आइटम कौन से अटैच्ड है ये डिपेंड कर रहा है अपने वैलेंस वैलेंशियल कन्फिग्रेशन के ऊपर इसलिए ये जो जो वैलेंसी होती है वो ग्रुप के अकॉर्डिंग होती है या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग होती है इसलिए वो फिक्स होती है ऑक्सीडेशन स्टेट किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की हर कंपाउंड में वेरी कर सकती है क्योंकि वो क्या होती है कैलकुलेटेड वैल्यू तो आपने देखा कि अगर हम ऑक्सीडेशन और ऑक्सीकरण uh, स्टेट और अगर हम वैलेंसी को कंपेयर करें तो बहुत सारे कंपैरिजन हमें मिलेंगे और जिसमें आप देखेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या जो है वो वेरी uh, करती है एक्चुअली हम पूरा अगर उसका जिस निकाले तो ऑक्सीकरण संख्या जो है वो वेरी करती है और वेरी करती है जबकि वैलेंसी जो है वो जनरली एक फिक्स्ड वैल्यू होती है क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या डिपेंड करती है कि दूसरे एटम कौन से हैं किसी कंपाउंड में इस पर डिपेंड करती है इसलिए वो फ्रैक्शनल हो सकती है उसमें कोई साइन हो सकता है प्लस या माइनस का साइन हो सकता है और पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए वो अलग अलग हो सकती है बट जो अवेलेंसी होती है क्योंकि वो वो वैलेंशियल कन्फिग्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है इसलिए वो फिक्स होती है वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए फिक्स ही होगी चाहे वो कोई भी कंपाउंड हम ले लें वो वेरिएबल हो सकती है वैलेंसी में भी वेरिएबल बट वो ऐसा नहीं होगा कि ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो क्या होगी वो वो टू होगी वो और तो कुछ होगी नहीं ऐसे तो वो टू ही रहेगी किसी भी कंपाउंड में लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट विल वेरी ओके और ये जो वैलेंसी है वो फ्रैक्शनल नहीं होती है क्योंकि वो डिफाइंड होती है और जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो क्या होगी फ्रैक्शन में भी हो सकती है क्योंकि वो कैलकुलेटेड वैल्यू है अब हम देखेंगे कि हम कैसे ऑक्सीकरण संख्या किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की एक कंपाउंड में कैलकुलेट कर सकते हैं तो आई अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स बहुत सारे एग्जांपल के साथ हम इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे ताकि आपको हर एक कंपाउंड में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम की आपको ऑक्सीकरण संख्या कैलकुलेट करनी आ जाए तो ये पहला एग्जाम्पल है जिसमें आप देखेंगे कैमिनो एक कंपाउंड है इसमें अगर हमें किसकी निकालनी हो सॉरी दिस एम एन की अगर हमें इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी निकालनी हो एमएन की तो हम के, जो पोटेशियम होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है प्लस वन जिसकी हमें इस, इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर हम जोड़ दें तो हमने पहले बताया कि पूरे मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है जीरो तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है प्लस वन एमएन की हमें निकालनी है तो हमने एक्स मानी और ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या जनरली होती है दैट इज माइनस टू एक ऑक्सीजन की माइनस टू तो चार ऑक्सीजन की कितनी फोर इंटू माइनस टू और टोटल मॉलिक्यूल की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होती है जीरो तो ये रूल है जनरली पोटेशियम की पर आपको प्लस वन ही मिलेगी वो याद रहेगी ऑक्सीजन की जनरली माइनस टू होती है तो इस हिसाब से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं एक्स कितना आया प्लस सेवन सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एम एन इज प्लस सेवन कैसे कैलकुलेट किया जिसकी निकालनी है उसको एक्स माना हमने अभी कितने एटम है अगर दो एटम होंगे तो हम इसे टू एक्स मानेंगे और जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो पर एटम निकलेगी ओके तो फोटेशियम की प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट एमएन की एक्स ओ की माइनस टू कितने ऑक्सीजन है चार तो ये कितनी हो गई माइनस आठ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस सेवन तो आप देख सकते हैं जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो प्लस या माइनस साइन के साथ हम लिखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें के टू सीआर टू सेवन सिंपल एग्जाम्पल है यहां पर अगर हमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो तो आप ये देखेंगे कि दो पोटेशियम है दो पोटेशियम और एक पोटेशियम पर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन दो क्रोमियम है तो एक क्रोमियम एक्स दो क्रोमियम मतलब टू एक्स और सेवन ऑक्सीजन है एक ऑक्सीजन की माइनस टू होती है तो सेवन की कितनी होगी माइनस फोर्टीन तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस सिक्स सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस क्रोमियम इन के टू सीआर टू सेवन विल बी प्लस सिक्स इन दिस केस इफ वी हैव टू कैलकुलेट कैलक्युलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस एस अगर हमें इसमें एस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो एच की जो ऑक्सीडेशन हो, स्टेट होती है वो प्लस वन होती है ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर एक ही बात है और ये प्लस वन होती है कितने हाइड्रोजन है दो तो कितनी हो जाएगी प्लस टू इसको हमने एक्स मान लिया और ऑक्सीजन की कितनी होती है माइनस टू कितने ऑक्सीजन है थ्री इज इक्वल टू जीरो क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है जीरो इसलिए एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया प्लस फोर तो अगर हम एस की ऑक्सीडेशन स्टेट एच टू थ्री में देखेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी प्लस फोर इन द एस टू ओ थ्री सो इफ वी हैव टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एस देन ऑक्सीकरण संख्या जो है एन ए की क्या होती है प्लस वन तो कितने हैं दो टू इन टू प्लस वन ये एस कितने हैं टू एक्स दो है और ओ कितने हैं तीन एक की कितनी है माइनस टू टोटल जो मॉलिक्यूल है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी जीरो तो जब हमें निकालनी हो तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस इक्सी को ऑक्सीकरण संख्या प्लस इक्सी ऑक्सीकरण संख्या इज इक्वल टू जीरो और इनकी ऑक्सीकरण संख्या को हमें इसके एटम के नंबर से भी गुणा करना पड़ेगा तो x कितनी आ जाएगी प्लस टू तो यहां पर सल्फर की एक सल्फर एटम की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी है प्लस टू नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है एन ए टू एस फोर ओ सिक्स तो एन ए टू एस फोर ओ सिक्स में अगर हम एस की ऑक्सीकरण संख्या निकालना चाहते हैं तो सोडियम की प्लस वन दो सोडियम है फोर एक्स चार एस है तो एक्स निकालनी है और छ है तो एक ओ की माइनस टू सो इट बिकम्स इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव अब आपने देख लिया कि ये फाइव बाई टू मीन्स ये डेसीमल में भी हो सकता है और इट कैन बी इन फ्रैक्शन तो अब आप देखिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फ्रैक्शन में भी हो सकती है जबकि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है सल्फर की प्लस सिक्स भी हो सकती है जो वैलेंसी uh, है वो सिक्स हो सकती है सिक्स और टू हो सकती है ऑक्सीडेशन uh, स्टेट लेकिन जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो देखिए वेरी कर रही है यहां पर फाइव बाई टू है इससे पहले वाले एग्जांपल में प्लस टू थी तो ये वेरी करेगी और इसमें हमें साइन भी देना पड़ेगा क्योंकि ये कैलकुलेटेड वैल्यू है तो ये फ्रैक्शन में भी हो सकती है नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें एफ टू ओ थ्री तो एफ टू ओ थ्री दो एफ ई है टू तो एक्स वन और तीन ओ है तो ये क्या हो गया थ्री इंटू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो सो एक्स इज इक्वल टू प्लस थ्री हेयर दी इज प्लस थ्री ये एग्जाम्पल एक कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है सीएच टू सीएल टू अब आप देखेंगे कि कार्बन की जो ऑक्सीकरण संख्या वो कैसे वेरी करती है दूसरे एलिमेंट पर ये डिपेंड करती है तो इसकी हमने एक्स मान ली हाइड एक हाइड्रोजन की प्लस वन तो दो हाइड्रोजन की टू इंटू प्लस वन एक क्लोरीन की माइनस वन तो दो क्लोरीन की टू इंटू माइनस वन इज इक्वल टू तो जीरो सो एक्स इज इक्वल टू तो जीरो तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो तो जीरो है लेकिन अगर इसकी वैलेंसी देखेंगे तो इसके साथ कितने बॉन्ड बन रहे हैं दो हाइड्रोजन और दो क्लोरीन सो चार बॉन्ड बन रहे हैं इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी है चार तो ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी जो है वो एक भी हो सकती है और वेरी भी कर सकती है तो यहां पर आप देख रहे हैं कि वेरी कर रही है ऑक्सीडेशन स्टेट तो इसकी है जीरो जबकि इसकी वैलेंसी कितनी है चार क्योंकि चार बॉन्ड ये बना रहा है और चार बॉन्ड ये बना सकता है इसके वैलेंस में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी है चार लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है जीरो अब इस एग्जाम्पल में देखिए आप देखेंगे कार्बन की वैलेंस जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कैसे वेरी कर रही है सी एच सी एल थ्री सी एच सी एल थ्री में देखिए सी इज एक्स वन एच है तो प्लस वन तीन सी है तो थ्री इंटू माइनस वन इज इक्वल टू जीरो टू प्लस टू सो इन दिस केस यहां पर आप देखेंगे कार्बन की ऑक्सीडेशन की स्टेट कितनी आई प्लस टू जबकि इसकी वैलेंसी कितनी है चार एक हाइड्रोजन और तीन क्लोरीन तो इसकी वैलेंसी कितनी है चार लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन की कितनी आई प्लस टू तो आप देख सकते हैं कि सी टू सी एल टू में जहां कार्बन की वैलेंसी थी ऑक्सीडेशन स्टेट थी जीरो सी एच सी एल थ्री में कितनी आई प्लस टू ऐसे ही आप सी एच फोर में देख सकते हैं अगर हम सी एच फोर को देखें तो सी एच फोर में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी देखिए सी एच फोर कार्बन कितना है प्लस वन और ये कितना है एक्स कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन है चार जल टू जीरोक्वल टू सो एक्स इज इक्वल टू क्या देखिए माइनस फोर तो यहां पर सी एच फोर में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है माइनस फोर ओके जबकि इसका जो वैलेंसी है वो भी चार है और ऑक्सीडेशन स्टेट भी चार है लेकिन यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो माइनस फोर है ऐसे हम एक एग्जाम्पल और दे सकते हैं सीसीएल फोर तो अगर सीसीएल फोर को देखें तो ये एक्स मान लिया प्लस कितने सीएल है चार कितना होता है इसकी ऑक्सीकरण संख्या वन इज इक्वल टू जीरो सो एक्स इज इक्वल टू प्लस फोर तो आप ये देख सकते हैं कि देखिए कार्बन के कई सारे कंपाउंड तीन हमने यहां पर देख लिए यहां पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू यहां पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस फोर यहां पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फोर जबकि सारे ही कंपाउंड्स में जो कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी है चार चार बॉन्ड बना रहा है यहां पर चार बॉन्ड बना रहा है यहां पर भी चार बॉन्ड बना रहा है और इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं चार तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई चार अब ये एग्जाम्पल देखिए एच टू एच टू ओ टू यहां पर अगर हमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी हो तो हाइड्रोजन की प्लस वन कितने हैं टू इसको हमने टू एक्स मान लिया कितने ऑक्सीजन है टू एक की कितनी है माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट सो इट इक्वल्स टू जीरो सो एक्स विल बिकम इक्वल्स टू वन तो आप सल्फर की भी देखेंगे ये वेरी कर रही है कहीं पर प्लस वन आ रही है कहीं पर प्लस टू आ, आ रही है कहीं पर ये प्लस uh, फाइव भी आ सकती है तो ये डिपेंड कर रहा है कि इसके साथ दूसरे एटम कौन से जुड़े हुए हैं इस पर डिपेंड करती है ऑक्सीडेशन स्टेट जबकि अगर आप देखेंगे अगर हम इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इनके बॉन्डिंग देख सकते हैं तो बॉन्ड ये ये कितने बॉन्ड बना सकता है छह बॉन्ड बना सकता है तो वैलेंसी तो छह है लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है प्लस वन इस कंपाउंड में अब इस कंपाउंड को अगर हम देखें तो यहाँ के एच टू एच टू ओ सेवन अगर हम यहाँ पे एस की वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी हो तो कितने एच है दो एक एच की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस वन टू एक्स कितने ओ है सेवन और एक ओ की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है माइनस टू तो इक्वल टू तो जीरो सो एक्स इज इक्वल टू तो प्लस सिक्स तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो सल्फर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई प्लस सिक्स जो पहले अभी थोड़ी देर एक कंपाउंड में कितनी थी प्लस वन अब ये एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दिया था यहां पर देखिए एक फ्लोरीन की क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इसकी माइनस में होगी और इसकी किस में होगी प्लस में ओके अगर हम H2O टू ले तो H2O में H क्या है इलेक्ट्रोपोजिटिव तो H की प्लस में होगी और ऑक्सीजन की किस में होगी माइनस वन में तो ये जो है फ्लोरीन की माइनस वन है कितने फ्लोरीन है दो इसको X मान लीजिए तो X कितना आ गया प्लस टू अब इन दोनों में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी है प्लस टू तो आप ये देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं पर इसकी माइनस टू है कहीं पर इसकी प्लस वन है कहीं पर इसकी प्लस टू है तो इस कंपाउंड में कंपाउंड पर डिपेंड करेगा कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी ये एग्जाम्पल देखिए सीएलएफ थ्री इंटर हैलोजन कंपाउंड अगर हम यहां पर सीएल की ऑक्सीडेशन स्टेट देखना चाहें तो आप ये देखेंगे फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इसकी माइनस में होगी तो इसकी माइनस वन इंटू थ्री इसकी हमें निकालनी है तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी आ जाएगी प्लस थ्री तो आप देख सकते हैं कि क्लोरीन जो है वो क्लोरीन की जो वैलेंसी होती है वो जनरली वैलेंसी तो कई सारी इसकी हो सकती है आ, यहाँ पर जैसे ये तीन बॉन्ड बना रहा है तो वैलेंसी पर वैलेंसी अलग चीज है वैलेंसी इसकी वन भी हो सकती है लेकिन इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो प्लस थ्री भी हो सकता है और किसी कंपाउंड में इसकी जो वैलेंसी जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो माइनस वन भी हो सकती है वो डिपेंड करेगा कि ये किसके साथ जुड़ा है ये इसके साथ जुड़ा है तो ये माइनस होगा ये प्लस होगा इसलिए इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो क्या आएगी प्लस थ्री इससे पहले आपने जो तो एग्जाम्पल पढ़ा था देखिए कार्बन के कंपाउंड यहां पर आपने देखा था कि ये सीएल की माइनस थी क्योंकि इन दोनों के कंपैरिजन में ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था इसलिए इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो माइनस में ही रहेगी इसलिए यहां पर ये माइनस वन है और हम कार्बन की यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं जबकि इस केस में आपने देखा कि यहां पर क्योंकि फ्लोरिन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए ये पॉजिटिव होगा इसकी माइनस वन फिक्सड रहेगी और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं नाउ इन दिस कंपाउंड इफ वी कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम हम इस एक्सई की अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें तो इसको हमने एक्स माना जिसको हमने कैलकुलेट करना है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू और एफ की माइनस वन कितने एफ है दो और टोटल मॉलिक्यूल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है जीरो तो एक्स क्या जाएगी प्लस फोर तो यहां पर जिनोन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी प्लस फोर ये देखिए एक एग्जाम्पल है जहां पर आप ये देखेंगे कि अगर हम इस केस में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मल निकालें अगर आप देखें क्रोमियम को अगर हम एक्स मान लें और इस ऑक्सीजन को की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है माइनस टू तो ये कितनी हो गई माइनस टेन सो एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो सो एक्स विल इक्वल्स टू प्लस टेन तो क्रोमियम की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टेन हो सकती है क्योंकि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टेन नहीं हो सकती ये प्लस सिक्स से ज्यादा नहीं हो सकती क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वेलेंसल में छह इलेक्ट्रॉन इसलिए इस तरीके के जो कंपाउंड्स हैं इनका हमें क्या पता होना चाहिए स्ट्रक्चर इसका मतलब ये जो ओ है वो क्रोमियम से इस तरीके से नहीं जुड़ते कि पांचों के पांचों ओ जो है वो क्रोमियम से डायरेक्ट माइनस टू की फॉर्म में जुड़े होंगे क्योंकि अगर ये माइनस टू की फॉर्म में जुड़े होंगे तो फिर इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना आएगा प्लस टेन जो कि पॉसिबल नहीं है इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट तरीके का है उसका स्ट्रक्चर कैसा है देखिए उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है जहां पर आप ये देखेंगे क्रोमियम के साथ चार ऑक्सीजन पर ऑक्सो बॉन्ड से जुड़े हुए हैं जबकि एक ऑक्सीजन जो है वो फ्री है इसके साथ जब जुड़ा हुआ है तो इस तरीके के कंपाउंड में जहां पर आप देखेंगे कि जो सेंट्रल एटम है अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आए अगर हम उसको कैलकुलेट करके देखें इसका मतलब है कि उसका स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट होता है उसमें सारे ऑक्सीजन फ्री तरीके से नहीं होंगे उसमें ऑक्सीजन में क्या हो सकता है परऑक्सो बॉन्ड तो इस तरीके के मॉलिक्यूल्स के लिए क्या जरूरत है हमें उसके स्ट्रक्चर के पता होने की जरूरत है तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो हम ये पाएंगे कि इस क्रोमियम के साथ चार ऑक्सीजन परऑक्सो बॉन्ड से जुड़े हैं चार ऑक्सीजन परऑक्सो मतलब इसका मतलब है कि हर एक ऑक्सीजन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी क्या होगी माइनस वन इसकी माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इसकी माइनस वन इसकी माइनस इसकी माइनस वन क्योंकि फॉर परोक्सो ऑक्सीजन द ऑक्सीडेशन स्टेट इज माइनस वन वाइल इन दिस केस द ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी माइनस टू तो कहीं पर भी अगर परोक्सो बॉन्ड होगा तो उस ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो माइनस वन होगी माइनस टू नहीं होगी तो अब देखिए अगर हम इस इस स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें क्रोमियम की तो देखिए ये क्रोमियम एक्स है चार इसमें परोक्सो चार्डो बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ी है देखिए एक दो तो, तीन चार तो एक परोक्सो ऑक्सीजन की कितनी है माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट तो चार की कितनी होगी फोर इंटू माइनस वन एक ऑक्सीजन ऐसा है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी माइनस टू माइनस टू सो एक्स विल इक्वल्स टू सिक्स तो इस तरीके के मॉलिक्यूल्स की अगर हमें इसमें सेंट्रल एटम की और मेटल की इस किसी एलिमेंट की अगर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो तो हमको क्या पता होना चाहिए उसका स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर हमें पता होगा तो हम ये देखेंगे कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मैक्सिमम वो कितनी हो सकती है जितने उसमें बैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो इसलिए जो है इसका मतलब है कि इसमें क्या होते होंगे परोक्सो बॉन्ड तो इसमें हम और भी एग्जाम्पल्स आप देखेंगे जिनमें की परोक्सो बॉन्ड्स होता है बॉन्ड होता है और उसकी वजह से जो सेंट्रल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी वो अलग तरीके से कैलकुलेट होगी क्योंकि उसमें हमें परोक्सो बॉन्ड देखने पड़ेंगे तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो जनरली जो परोक्सो एसिड्स हैं आपने परोक्सो एसिड्स ऑफ जैसे आपने सल्फर के पड़े होंगे तो जहां पर भी पर आ जाएगा पर पर इसका मतलब है कि वहां पर क्या होगा परोक्सो बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ी होगी और जहां पर भी परोक्सो बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ी होगी वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी माइनस वन अब देखिए एच टू फोर अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें सॉरी दिस इज एच टू एस ओ फाइव सो दिस इज एच टू एस ओ फाइव अगर हम इसमें एस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें अगर हम नॉर्मल वे में निकालें तो ऑक्सीजन की पांच तो टोटल ऑक्सीजन uh, के पांच एटम है एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू सो इट बिकम्स माइनस टेन माइनस टेन प्लस टू कितना हो जाएगा एट तो अगर हम नॉर्मल वे में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना चाहे तो ये एक्स है ये प्लस वन है इंटू टू दो हाइड्रोजन है प्लस फाइव इंटू माइनस टू क्वल टू जीरो सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्लस एट नहीं हो सकती क्योंकि इसके जो नंबर नंबर ऑफ ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है बाहर वो कितने हैं छह है. इसलिए इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ और स्टाइल का होगा इसका स्ट्रक्चर इसका नाम ही क्या है पर ऑक्जो मोनोसल्फ्योरिक एसिड तो पर ऑक्जो मोनोसल्फ्यरिक एसिड का मतलब है यहां पर क्या है एक पर ऑक्सी

और ये दो जो ऑक्सीजन है इनके ऊपर कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी माइनस वन तो दो के ऊपर कैसी होगी माइनस वन क्योंकि यहां पर क्या है परऑक्सो बॉन्ड और एक हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन के ऊपर कैसा ऑक्सीडेशन uh, स्टेट होगा प्लस वन तो अगर हम ऐसे कैलकुलेट करें तो हमें क्या मिलेगा एक्स इज इक्वल टू प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी जीरो इसलिए एक्स क्या निकलाएगा प्लस सिक्स तो ऐसे हम इस तरीके के मॉलिक्यूल्स में जो सेंट्रल एटम है उसकी अगर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो तो उसके लिए आप ये ध्यान रख सकते हैं अगर हम नॉर्मल कैलकुलेट करें तो वो कुछ ज्यादा आएगी वो जो नहीं हो सकती इसलिए इसका मतलब है उसमें कुछ अलग तरीके के बॉन्ड है और वो बॉन्ड होने की संभावना है वो पर बॉन्ड हो सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके का एग्जाम्पल है देखिए एस टू ओ ए टू नेगेटिव परऑक्सी डाइसल्फेट आयन है और इसमें अगर हम देखें तो यहां पर भी पर ऑक्जो बॉन्ड्स हैं तो इसलिए अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें सल्फर की कैलकुलेट करना चाहें तो देखिए इस ऑक्सीजन के ऊपर uh, ये जो ऑक्सीजन है इस इनकी तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है अब देखिए कैसे हम कैलकुलेट करेंगे ये देखिए ये ये जो दो सल्फर एटम है इनको हमने टू एक्स कहा ओके देन टू जो ये ऑक्सीजन है जो पोरॉक्सो बॉन्ड बना रहे हैं एक ऑक्सीजन के ऊपर माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट है तो दो के ऊपर कितनी होगी माइनस वन अब अगर हम यहां देखें तो ये जो माइनस इनके ऊपर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई दे रही है माइनस वन माइनस चार्ज है तो एक दो ऑक्सीजन एटम है तो हर एक की कितनी हो गई माइनस वन और ये जो चार ऑक्सीजन एटम है इन ऑक्सीजन की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है माइनस टू तो ये इज इक्वल टू जीरो देन फाइनली वी गेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर विल बी प्लस सिक्स कितनी हो जाएगी प्लस सिक्स देखिए एट टेन एंड ट्वेल्व सो टू एक्स इज इक्वल टू प्लस ट्वेल्व टू x इज इक्वल टू प्लस सिक्स सो सल्फर की मैक्सिमम केस में आप ये ध्यान रखिए कि मैक्सिमम केस में सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्लस सिक्स आएगी उससे ऊपर वो नहीं हो सकती अगर कैलकुलेट करने पे उससे ऊपर आ रही है इसका मतलब है उसमें परोक्सो बॉन्ड प्रेजेंट है जिसकी वजह से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी प्लस सिक्स ये एग्जाम्पल देखिए टेट्रा थायोनेट आयन है एस फोर ओ सिक्स टू नेगेटिव यहां पर हम सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं पहले हम सिंपल निकाल के देखें अगर वो प्लस सिक्स से, से नीचे आ रही है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक है अगर वो प्लस सिक्स से ऊपर आ रही है इसका मतलब उसमें पर की संभावना है तो एस एस कितने यहां पर फोर है ठीक है तो इसको हमने एक्स मान लिया कितने हैं फोर एक्स कितने ऑक्सीजन है छह हर एक ऑक्सीजन एटम की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है माइनस टू और इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना है माइनस टू अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो हम उसको क्या लिखते जीरो लेकिन अगर इसके ऊपर चार्ज है तो ये चार्ज हमें यहां पर रखना होगा ओके तो इस पूरे इस इस आयन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो माइनस टू है अगर ये एच टू एच फोर ओ सिक्स होता तब हम दो एच के और यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट जोड़ते और इसको क्या रखते जीरो लेकिन ये आयन है तो यहां पर जो भी चार्ज होगा अगर वो प्लस होगा तो यहां पर प्लस आ जाएगा अगर यहां पर माइनस होगा तो वो माइनस आ जाएगा तो फोर एक्स प्लस सिक्स इंटू माइनस टू ज इक्वल टू माइनस टू इस मॉलिक्यूल के ऊपर कितना चार्ज है माइनस टू तो इस पूरे मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी सो so x will to plus by 2. तो अब आप देख सकते हैं कि यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर की वो किस में आ रही है प्लस आ, मैं तो आ रही है फ्रैक्शन में आ रही है ये क्या आ रही है फाइव बाई टू तो इसका मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में भी हो सकती है ये एक एग्जाम्पल है और ये है ऑक्जो नाइट्रिक एसिड पर ऑक्जो नाइट्रिक एसिड को अगर हम स्ट्रक्चर देखें पर ऑक्जो देखिये इसमें भी परऑक्साइड ऑक्साइड पर ऑक्जो बॉन्ड होगा तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं एच ओ ओ एच एन ओ थ्री में एक ox, पर ऑक्जो बॉन्ड आ गया अगर हम एच एन ओ थ्री के स्ट्रक्चर में एक और ओ जोड़ दें तो वो पर ऑक्जो नाइट्रिक एसिड बन जाएगा ये इस ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है माइनस वन होगी इस ऑक्सीजन की भी माइनस वन होगी क्योंकि ये पर ऑक्जो लिंकेज से जुड़े हुए हैं नाइट्रोजन की हमें निकालनी है इस ऑक्सीजन की माइनस टू होगी इस ऑक्सीजन की माइनस टू होगी हाइड्रोजन की प्लस वन सो एक्स फॉर नाइट्रोजन प्लस वन फॉर हाइड्रोजन टू इंटू माइनस वन फॉर धीज टू फॉर ऑक्सो बॉन्ड्स बॉन्डेड ऑक्सीजन

उसको समराइज करें अगर हम उसको कंक्लूड करें तो हमने इसमें क्या पढ़ा इसको हम थोड़ा सा रिवाइज करें तो इसमें हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट किसे कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअल में चार्ज होता है जो रह जाता है उस एलिमेंट के ऊपर जब हम दूसरे एटम्स को क्या करते हैं हटा देते हैं तो वो चार्ज है वो कैलकुलेटेड वैल्यू है तो अगर वो कैलकुलेटेड वैल्यू है फिर वो क्या हो सकती है फ्रैक्शन में हो सकती है उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा और ये वेरी करती है कि जो जो एटम है जिसके लिए हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले है उसके साथ कौन से अदर एटम्स जुड़े हैं जबकि वैलेंसी को अगर हम देखें तो वैलेंसी क्या है वैलेंसी है कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट में वो उसकी वैलेंसी बताती है वैलेंसी जो है फिक्स्ड नंबर है क्योंकि वो जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फिक्स्ड तो वो जो कैलकुलेटेड तो वैल्यू नहीं है तो उस पे प्लस माइनस चार्ज नहीं होता है ओके okay? और अगर हम इसको देखें तो ये फ्रैक्शन में भी नहीं होती है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है में कितने इलेक्ट्रॉन है वो उसको बताता है और जो वैलेंसी है वो हमें बताती है कितने बॉन्ड बन सकते हैं वो हमें बता सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट एक एक पर्टिकुलर एलिमेंट की अलग अलग हो सकती है हो तो वैलेंसी भी जो है वो अलग अलग हो सकती है लेकिन वैलेंसी फिक्स है अगर तीन या पांच होती है तो तीन या पांच ही होगी हर जगह पर लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की देखिए माइनस थ्री भी हो सकती है प्लस थ्री भी हो सकती है और अलग अलग प्लस फाइव भी हो सकती है तो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो सकती हैं वो डिपेंड करेगा कि जो उसके साथ दूसरा एटम जुड़ा हुआ है वो क्या है तो उसके बाद हमने क्या सीखा इस लेक्चर में हमने सीखा कैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अलग अलग तरीके दो तरीके में डिवाइड कर सकते हैं एक एक मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जहां पर सेंट्रल मेटल एटम की जो uh, जो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट होगी वो सिंपल फॉर्मूले से हो जाएगी हम एक्स जो है वो उसको मान ले जिसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है और एक मेथड ये होगा जहां पर हमें स्ट्रक्चर की जरूरत होगी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट टोटल वैलेंस सेल से ज्यादा आ रही है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आ रही है इसका मतलब है कि उसके स्ट्रक्चर जो है वो कुछ डिफरेंट टाइप का है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा बहुत कम ऐसे एक्जाम्पल्स हैं जैसे क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स मैंने कंपाउंड आपको बताया सीआरओ क्योंकि क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस टेन नहीं हो सकती तो वो प्लस सिक्स ही होगी इसका मतलब उसका स्ट्रक्चर जो है कुछ डिफरेंट है ऐसे ही सल्फर के कुछ परोक्सो uh, एसिड्स uh, हैं उनके केस में भी आप देखेंगे सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट सिक्स हो सकती है और अगर हम उसको फॉर्मुले से कैलकुलेट करेंगे तो प्लस टेन भी आ रही है जो पॉसिबल नहीं है इसलिए उस केस में हम ये देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर जो है उस स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस है और उसकी स्ट्रक्चर क्या है पर ऑक्जो बॉन्ड कंटेनिंग स्ट्रक्चर से तो आशा है कि आपको यह यहां से ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी में डिफरेंस पता चला होगा और कैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि आप कोई भी चैप्टर पढ़िए आप से रिएक्शन से रिलेटेड चैप्टर पढ़िए आप आप इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करिए ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स का आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज पढ़िए तो आप कहीं पर भी आप आप कोरोजन पढ़िए आप कहीं पर भी, भी पढ़िए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी कि ऑक्सीडेशन स्टेट की जरूरत पड़ेगी जहां पर हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करेंगे वहां पर आपको देखना होगा क्योंकि जो हम बैलेंस करते हैं रिएक्शन को वहां पर भी आपको किसकी जरूरत पड़ेगी आपको जरूरत पड़ेगी ऑक्सीडेशन स्टेट की तो इसलिए हमने इस लेक्चर में कोशिश करी कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट को कुछ आ, आसान तरीके से बताया जाए कि किस तरीके से हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम की किसी मोलिक्यूल में ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं तो आशा है आपको समझ में आया होगा धन्यवाद बहुत बहुत आपका धन्यवाद